रिजल्ट के बारे में बताना चाहिए कि रोल नंबर क्यों 23 दिसंबर प्रथम पाली वाला है रिजल्ट में, इसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, उसका स्पष्टीकरण तो देते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको, लेकिन आप उसके साथ साथ क्या करते हैं, आप एक तरह से डराने का काम करते हैं, एक तरह से आप धमकी दे रहे हैं दिलीप कुमार को। आपका इशारा अप्रत्यक्ष रूप से दिलीप कुमार की तरफ है, ये सबको पता है, सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि कल दिलीप कुमार ने ही आपकी कार्यशैली पे सवाल उठाया था, कल दिलीप कुमार ने ही आपके रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं होने का सवाल उठाया था। तो दिलीप कुमार किसी धमकी से नहीं डरता है, हम किसी से नहीं डरते हैं, किसी धमकी से नहीं डरते हैं, आप लोग को जो करना है कर लीजिए, दिलीप कुमार नहीं डरने वाला है, न हम डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, छात्र हित की लड़ाई हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, पूरी निडरता के साथ लड़ेंगे, ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, आप लोग को जो करना हो कर लीजिए, आपसे हम पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, तो हम अफवाह फैला रहे हैं, हम असामाजिक तत्व हो गए, आपसे हमने लोकतांत्रिक ढंग से पूछा कि 23 दिसंबर के प्रथम पाली का रिजल्ट जो है, रिजल्ट में रोल नंबर कैसे शामिल है, तो आपको लोकतांत्रिक ढंग से जवाब देना चाहिए, न कि आप जवाब दे रहे हैं और उसके साथ साथ आप धमकी दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि छात्रों को गुमराह किया जाता है, छात्रों को गुमराह तो आप लोग कर रहे हैं, कि अखबारों में आप छप रहा 4 साल से छपा रहे थे, द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी अगले महीने आएगी, सचिवालय सहायक की वैकेंसी अगले महीने आएगी, 4 साल से आप लोग अखबारों में छपा रहे थे, अखबारों के प्रथम पेज पे छपा रहे थे, तो गुमराह तो आप लोग कर रहे थे, हम गुमराह कर रहे थे, या फिर ये 9 लाख स्टूडेंट्स और पूरे बिहार की 13 करोड़ जनता को आप बेवकूफ समझ रहे हैं, कि पारदर्शिता के साथ रिजल्ट की क्या पारदर्शिता है भाई, इसमें किसी को मार्क्स नहीं पता है, किसी अभ्यर्थियों को आंसर नहीं पता है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया गया, आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ बहाली पूरी हुई, आप क्वेश्चन क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, ओएमआर शीट में आपने क्या किया नहीं किया कौन देख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने कल रात एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में बीएसएससी ने यह बताया है कि CGL 3 PT रिजल्ट के बारे में कुछ असामाजिक तथ्यों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है और बीएसएससी ने यह भी बताया है कि इस रिजल्ट में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है। बीएसएससी के इस नोटिस का हम जवाब दे रहे हैं कि बीएसएससी से हमें पूछना चाह रहे हैं कि आपका इशारा किसके तरफ है, आप किसको असामाजिक तत्व बोल रहे हैं, आप किसके बारे में बोल रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है, आपका इशारा अप्रत्यक्ष रूप से दिलीप कुमार की तरफ है, ये सबको पता है, सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि कल दिलीप कुमार ने ही आपकी कार्यशैली पे सवाल उठाया था, कल दिलीप कुमार ने ही आपके रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं होने का सवाल उठाया था, तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। जब हमने ये सवाल किया कि 2-3 रोल नंबर ऐसे हैं जो मुझे नज़र आया, जो अभ्यर्थियों ने मुझे भेजा कि 23 दिसंबर की प्रथम पाली का था, जो कि परीक्षा रद्द हो चुकी थी, वो रोल नंबर था, तो आपको इसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन आप जवाब रात में देते हैं, जबकि हमने सवाल आपसे दिन में ही किया था, दिन में ही आपसे पूछा था, जब आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई नोटिस जारी किया, तब हम लाइव आकर इस चीज़ का जिक्र किया सार्वजनिक रूप से, और आप रात में नोटिस जारी करते हैं, तो आपको नोटिस में सिर्फ उस रिजल्ट के बारे में बताना चाहिए कि रोल नंबर क्यों 23 दिसंबर प्रथम पाली वाला है रिजल्ट में, इसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, उसका स्पष्टीकरण तो देते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको, लेकिन आप उसके साथ साथ क्या करते हैं, आप एक तरह से डराने का काम करते हैं, एक तरह से आप धमकी दे रहे हैं दिलीप कुमार को, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई बोले नहीं, आपकी गलत नीतियों, आपके गलत कार्यशैली के खिलाफ कोई बोल ना पाए, इसके चलते आपने नोटिस में क्या लिखा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। कौन सी अफवाह फैलाई जा रही है भाई, आपसे हम पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, तो हम अफवाह फैला रहे हैं, हम असामाजिक तत्व हो गए, आपसे हमने लोकतांत्रिक ढंग से पूछा कि 23 दिसंबर के प्रथम पाली का रिजल्ट जो है, रिजल्ट में रोल नंबर कैसे शामिल है, तो आपको लोकतांत्रिक ढंग से जवाब देना चाहिए, न कि आप जवाब दे रहे हैं और उसके साथ साथ आप धमकी दे रहे हैं। तो दिलीप कुमार किसी धमकी से नहीं डरता है, हम किसी से नहीं डरते हैं, किसी धमकी से नहीं डरते हैं, आप लोग को जो करना है कर लीजिए, दिलीप कुमार नहीं डरने वाला है, न हम डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, छात्र हित की लड़ाई हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, पूरी निडरता के साथ लड़ेंगे, ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, आप लोग को जो करना हो कर लीजिए, दिलीप कुमार लोकतांत्रिक ढंग से छात्र हित में आवाज़ उठाता रहेगा। और आपसे हम क्या मांग रहे हैं, आपसे हम क्या जमीन मांग रहे हैं, आपसे घर मकान मांग रहे हैं, आपसे हम नौकरी मांग रहे हैं, नहीं, आपसे सिर्फ हम पारदर्शिता मांग रहे हैं, जो 9 लाख अभ्यर्थियों का अधिकार है, 9 लाख बिहार के युवाओं का अधिकार है, ये जानने का अधिकार है 9 लाख अभ्यर्थियों को कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर क्या सही माना है, ये 9 लाख अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया इस परीक्षा में, उनको जानने का हक है कि उनका ओएमआर शीट
में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुआ, आपने ओएमआर सीट में क्या किया नहीं किया, आप ऑनलाइन जारी कीजिए ओएमआर सीट। अगर बीएसएससी ईमानदार है, अगर बीएसएससी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, अगर सीजीएल 3 के रिजल्ट में कोई धांधली सेटिंग नहीं हुई है, तो बीएसएससी सभी परीक्षार्थियों का ओएमआर सीट ऑनलाइन जारी करे, क्वेश्चन ऑनलाइन जारी करे, आंसर की ऑनलाइन जारी करे और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स ऑनलाइन जारी कीजिए। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे क्या देश को खतरा है, बिहार की सुरक्षा को खतरा है, क्या खतरा है? क्यों नहीं आप लोग ऑनलाइन जारी कर रहे हैं? हम तो मांग कर रहे थे आपसे कि परीक्षा समाप्ति के बाद ही आप ये सब चीज़ कर दीजिए कि परीक्षार्थियों को क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी आप दीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो कम से कम अब तो आप ऑनलाइन जारी कर सकते हैं ना। आखिर क्या आपने जो 9 लाख अभ्यर्थी है, बीएसएससी अभ्यर्थी और इसमें जितने अभ्यर्थी शामिल हुए परीक्षा में, क्या आपने उनकी कॉपी चेक नहीं की है? उनके कॉपियों का मूल्यांकन आपने नहीं किया? सिर्फ 11,000 जो कुछ रिजल्ट दिया उसी का आपने मूल्यांकन किया? कॉपी का आपने सबका मूल्यांकन किया होगा ना, जो अपियर होंगे 9 लाख अभ्यर्थियों में से जितने अपियर हुए होंगे, चाहे 8.5 लाख हुए हों या 8 लाख हुए हों, तो उन सभी का मूल्यांकन आपने, कॉपियों का मूल्यांकन किया होगा। तो फिर आपको उन सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स जारी करने में क्या आपत्ति है? क्यों नहीं आप जारी कर रहे हैं? जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप तो आप पे सवाल खड़े होंगे, सवाल खड़े करेंगे, हम लोकतांत्रिक ढंग से आपसे सवाल पूछेंगे। अगर आप तानाशाही रवैया अपनाएंगे तो ये नहीं चलेगा। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, गणतंत्र की जननी है, इस चीज़ को याद रखिए। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय, बीएसएससी के जितने भी अधिकारीगण हैं, आपसे हम कहना चाह रहे हैं और हाथ जोड़कर विनती भी कर रहे हैं कि 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ आप लोग न्याय कीजिए, गुमराह मत कीजिए छात्रों को। आप बोल रहे हैं कि छात्रों को गुमराह किया जाता है, छात्रों को गुमराह तो आप लोग कर रहे हैं कि अखबारों में आप छपरा 4 साल से छपवा रहे थे द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी अगले महीने आएगी, सचिवालय सहायक की वैकेंसी अगले महीने आएगी। 4 साल से आप लोग ये अखबारों में छपवा रहे थे, अखबारों के प्रथम पेज पे छपवा रहे थे। तो गुमराह तो आप लोग कर रहे थे, हम गुमराह कर रहे थे? और क्या लिखा है आपने नोटिस में कि अपने निजी स्वार्थ हित की पूर्ति के लिए, अपने निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए अफवाह फैलाई जा रही है। इसमें मेरा निजी स्वार्थ क्या है? आप 9 लाख अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट जारी कर दीजिएगा, उनका मार्क्स जारी कर दीजिएगा, तो इसमें मेरा निजी स्वार्थ क्या है? इसे मुझे क्या मिल जाएगा? प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो थी 2014 की, कई बार हम आंदोलन किए तो 2022 में 8 साल बाद पूरा हुआ वो बहाली, उसमें 11,000 कुछ लोगों को नौकरी मिली। हमको क्या मिल गया उससे? उससे हमको क्या मिल गया? किसी ने 1 महीने का वेतन हमको दे दिया क्या? 5-6 लोग सिर्फ मिठाई खिलाने आए, 11,000 लोग तो मिठाई भी खिलाने नहीं आए। तो हम, उसमें मेरा निजी स्वार्थ क्या उसमें छिपा था? उसमें क्या मेरा निजी स्वार्थ पूर्ति हुआ? क्या निजी स्वार्थ की सिद्धि हुई बताइए आप? अपना खून पसीना हम बहाए, दौड़ धूप हम किए, हमारा तो लॉस हुआ, चाहे वो पैसे का लॉस हो, शारीरिक लॉस हो, हर तरह से मेरा लॉस हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आप क्या लिख रहे हैं कि निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए अफवाह फैलाई जा रही है? तो अफवाह हम लोग नहीं फैला रहे हैं, अफवाह आप फैला रहे हैं, बीएसएससी अफवाह फैला रही है, जो पिछले 4 साल से ये कह रहे थे कि अगले महीने सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, अगले महीने द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आएगी। क्या द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आज तक आई? नहीं आई। तो अखबारों के पन्ने पे क्यों? बीएसएससी के सचिव का बयान आता था बराबर, बीएसएससी के सचिव का बयान आता था ना कि अगले महीने वैकेंसी आएगी सीजीएल 3 की, अगले महीने द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली आएगी। तो अफवाह तो आप लोग फैलाते हैं। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, जब वो सिविल सेवा का ओएमआर सीट, सिविल सेवा परीक्षा का ओएमआर सीट ऑनलाइन जारी करती है, क्वेश्चन बुकलेट देती है, आंसर की जारी करती है, सभी का मार्क्स जारी करती है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप जारी कीजिए ना ये सब, आप ये सब चीज़ कर दीजिए, हम आपका विरोध क्यों करेंगे? बीपीएससी का भी विरोध हम करते थे पहले, अब बीपीएससी में सुधार हुआ तो हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? अच्छा काम हो रहा है तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं? जहाँ अच्छा काम नहीं होगा, छात्रहित में काम नहीं होगा, छात्रहित के विरुद्ध कोई काम होगा तो हम वहाँ भी विरोध करेंगे। लेकिन आप लोग छात्रहित में काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आपका हम विरोध कर रहे हैं। आप पारदर्शिता लाइए। आप क्या लिख रहे हैं? पारदर्शिता के साथ रिजल्ट दिया गया, इसमें क्या पारदर्शिता है भाई? पारदर्शिता का मतलब आपको पता है? या फिर ये 9 लाख स्टूडेंट्स और पूरे बिहार की 13 करोड़ जनता को आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ रिजल्ट? क्या पारदर्शिता है भाई? इसमें किसी को मार्क्स नहीं पता है, किसी अभ्यर्थियों को आंसर नहीं पता है किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया गया। तो आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ बहाली पूरी हुई, आप क्वेश्चन क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? ओएमआर सीट में आपने क्या किया नहीं किया कौन देख रहा है? तो आप ओएमआर सीट ऑनलाइन जारी कीजिए, हर अभ्यर्थी अपना ओएमआर सीट देख सके कि कहीं ओएमआर सीट में बाद में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई।
तो आपको ऐसा करने में क्या दिक्कत है? अगर बीबीएसएससी ईमानदार है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बीएसएससी ईमानदार है, अगर बीएसएससी सीजीएल 3 के रिजल्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई, कोई धांधली सेटिंग नहीं हुई, तो बीएसएससी से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप अपनी ईमानदारी साबित कीजिए, पारदर्शिता लाइए, और पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर सीट, क्वेश्चन आंसर की और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स आप ऑनलाइन जारी कीजिए। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पे उंगलियां उठेगी, आप पे सवाल उठेगा, आप पे सवाल पूछा जाएगा। हम लोग तांत्रिक ढंग से आपसे सवाल पूछेंगे, और इसके लिए आपको जो भी करना हो, दिलीप कुमार को जेल भेजना हो, भेज दीजिए, लेकिन हम आपसे सवाल पूछेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और उस अधिकार के तहत हम 9 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिवार के हित को देखते हुए आपसे सवाल पूछेंगे, और आपको जवाब देना होगा। जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाएंगे, आपसे हम सवाल पूछेंगे। आपको दिलीप कुमार के खिलाफ जो करना हो कीजिए, आपको जेल भेज देना हो, जेल भेजवाना हो भेज दीजिए, सरकार आपकी है, आपको जो करना है कीजिए, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, आपको जो करना है कर लीजिए। दिलीप कुमार को जेल भेजना है, फर्जी एफआईआर कराना करा दीजिए, जेल भेज दीजिए, हम डरने वाले नहीं है, लेकिन आपसे हम सवाल करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से आपसे सवाल करेंगे, और आपको पारदर्शिता लाना होगा। और जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाइएगा, दिलीप कुमार आपसे सवाल करेगा, आपकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा। आपकी कार्यशैली आज भी 10 साल 15 साल पहले जो थी, आज भी वही कार्यशैली चल रही है। आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा, सुधार लाना होगा, और जब तक आप सुधार नहीं लाइएगा, दिलीप कुमार आपसे सवाल पूछेगा, और आपको जो कार्रवाई करना हो कर लीजिए, हम तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद।